गुड मॉर्निंग हरे कृष्ण एवरीवन। सुबह के बजे हुए हैं 4, अब मतलब 4:15 हो गए होंगे। हाँ, अब 4:15 हो गए हैं। 4 बजे से हम उठे हुए हैं, मैं और मेरा भतीजा कीशु, और हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि कीशु डेली मंदिर जाता है। उसने बोला बुआ जी आप भी चलना, तो आज की शुरुआत हमारी होगी मंदिर जाके। राधे राधे एवरीवन, मैं जा रही हूँ मंदिर और कीशु भी जा रहा है, हम जा रहे हैं मंदिर। तुम लोगों को चलना है तो आ जाओ इस्कॉन सेक्टर 25 रोहिणी। जैसे ही मैंने कहा बिल्कुल खाली रोड है, एक तो लोग दिख गए हैं, मतलब एक लोग है, दूसरा कुत्ता है सड़क पार करते हुए, और हम जा रहे हैं मंदिर। किसी तू अपने आप को भी दिखा दे बता। और थोड़ी थोड़ी धुंध पड़ रही है, तुम बता दी तो तुम जैसे लोग सो रहे हो, तुम्हें क्या पता सुबह उठने का मजा क्या है जो मैंने आज लिया है। ओ भाई ठंड, और मैंने तिलक भी पहना हुआ है, धुंध पड़ रही है, मजा ही आ गया। हाँ तो अंधेरा भी आ गया, तो लाइट बंद हो तो कुछ भी ना दिखे। राधे राधे एवरीवन, और मैं कीशु अब आ चुके हैं मंदिर में। ये देखो हमारे सामने मंदिर की एंट्रेंस है, और सुबह सुबह बहुत टाइम बाद पहली बार आई हूँ। राधे राधे। अभी करोगे आते हुए? क्या ठीक है, आते हुए कर देंगे। ये हम दीपदान करने के लिए आ गए हैं। कार्तिक मास में सबको दीपदान करना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है, और अब हम करेंगे दीपदान। कीशु ने दीपदान कर दिया है, अब मेरी बारी है दीपदान करने की। मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, उसके बाद मैं दीपदान करूँगी। मैं अपनी माला जप कर रही हूँ, और आप लोगों ने किसी ने दीपदान किया है या नहीं किया कार्तिक मास में, अगर नहीं किया हो तो अब कर देना। 4:30 बजे जो उठ सकता है इस्कॉन मंदिर आ जाना, मुझसे मिल लेना। राधे राधे। तो अब बज रहे हैं सुबह के 6, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी प्रीति कभी उठेगी? नहीं, सुबह 4 बजे से उठी हुई है, और पूजा करके अब हम मंदिर से घर जा रहे हैं। हो बहुत अच्छा लग रहा है हे भगवान, मुझे थोड़ी सदबुद्धि आ जाए और मैं डेली आऊँ। हरे कृष्ण। लोग शहंशाह कहते हैं। राधे राधे एवरीवन, सामने इतनी धुंध पड़ रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हम जैसे भक्ति भक्ति के क्या होंगे भक्त, हम भगवान की कृपा से हम लोग मंदिर आए हैं। बोलो राधे राधे।
कैसे लोग होते हैं, हम लोग इतनी दूर से मंदिर जाके आ गए, लोग उठे नहीं है, ऐसे घर में हम रह रहे हैं। मैं नहीं रहूंगी आज के बाद ऐसे घर में, मैं जा रही हूँ। कैसे घर में हम रह रहे हैं जिस घर में लोग ऐसे इतनी देर तक सोते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को। नहीं नहीं, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ पे सुबह 4 बजे लोग ना उठे। तो मैं जा रही हूँ गाइस। राधे राधे हरे कृष्णा। मेरे को बीच में से याद आ गया तो मैंने गा दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे तुम क्या जानो, कुछ लोग होते हैं जो दिन भर सोते रहते हैं, रात को भी सोते हैं और कुछ नहीं करते। उन लोगों में से मेरे भाई और भाभी और लव, वो कुछ नहीं करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, जबकि उन्हें मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। बहुत ज्यादा वंचित है वो इन चीजों से। मुझे ऐसा, नहीं नहीं बेटा ऐसे बात नहीं करते। मैं एक बात बताती हूँ तुम्हें राज की, पर राज परेशान हो जाएगा कि उसकी बात मैंने क्यों बता दी। तो राज की बात नहीं बताऊंगी, अपनी बात बता देती हूँ कि देखो सुबह सुबह उठना चाहिए, जैसे कि मैं उठ के गई हूँ, ऐसे ही हर किसी को उठना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ऑफिस जाते हैं सुबह सुबह, है ऑफिस जाने से पहले तुम्हें मंगला आरती अटेंड करनी चाहिए, ठीक है। और जो ये आंटियां होती हैं सुबह सुबह वॉक पे निकलती हैं 6 बजे, हाँ 4 बजे उठो आंटियों और मंगला आरती करके आओ, जैसे कि हम जैसे लोग जाते हैं ना। कि पहली बात हो गई है इतना क्यों आ गया ये, मतलब ऐसे कहते ही क्या कहते हैं एक दिन में एटीट्यूड भैया कहते हैं इतना आ गया वो एक ही दिन में। क्या बात कर दी कि मैं बचपन से और पैदाइश ही पिछले जन्म से मैं पूजा पाठ करती आ रही हूँ, तभी भगवान ने मुझे सुबह सुबह मंदिर बुलाया और कहा। और ये बात बताओ, सबसे पहले सुबह सुबह उठ के ये भक्ति भाव एक दिन एक साल पहले किसको जागा था? मुझे सुबह 4:30, इनको यकीन नहीं हो रहा था। अगर इनसे कोई ये कह देना कि बुआ छात पर से कूद गई तो ये यकीन कर लेंगे कूद गई होगी, लेकिन इनको ये कह दो कि बुआ सुबह 4:30 बजे उठ के मंदिर जा रही है, ये लोग यकीन नहीं करेंगे किसी बात पे। लेकिन फिर भी मैंने इनको सच्चा साबित कर दिया, झूठा मतलब अपने आप की सच्चाई अच्छाई सब कुछ दिखा दी है। और गाइस जब मैं घर आई तो मैंने लोगों को सोते हुए पाया। कविता सो रही थी और दीपक, सोनिया और लव की सू आई मीन लव लव तो इतनी बुरी तरह से सो रहा था, उसको तो होश भी नहीं था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कितना ही सिखा लेंगे। और अरे ये तो मैं बात बताना ही भूल गई, सुबह सुबह मैं चावल बना रही हूँ, नमकीन चावल पुलाव तुम लोग कह सकते हो, नमकीन चावल बना रही हूँ। कह रहा था बुआ भूख लग रही है, मैं तो केला ढूंढने आई थी, मैंने कहा केले केले कुछ फ्रूट फ्रूट मिल जा, लेकिन केले की हालत बहुत खराब थी जो कि मैं नहीं खा सकती थी, और बाकी कुछ ऐसा था नहीं कि जो मैं खा लूं। तो फिर हमने सोचा चलो भाई पुलाव बना लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ टमाटर राइस, क्योंकि प्याज की सुखाता नहीं है तो फिर टमाटर राइस ही खाएंगे हम, और बाकी मटर भी नहीं है घर में। है क्या मटर? रहने दे, टमाटर ही राइस बना लेते हैं। ओके बाय बाय। अब क्या तुम मेरे यहाँ पे आके बैठे खाओगे? अब लाइक करके वीडियो को और अपना काम करो जो भी करना है तुम्हें। राधे राधे। ओ माय गॉड, अरे ये बात तो बताना ही भूल गई थी, मैं अब दोबारा कपड़े चेंज करके बैठी हूँ। पहले मैं सूट पहन के गई थी और आते ही फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए। मैंने कहा सूट ही था बेटा, यहाँ तक का जो हो जाए पूरी बाजू समेत सूट था वो, गोल गोल नीचे पजामी थी, उसको क्या ही कह देगा, कुर्ती कह लो। तू क्या कहना चाहता है उसको? हाँ कुर्ती कह सकते हैं। सूट तो था नहीं वो, बकायदार हो कह रहा सूट नहीं था। ठीक है गाइस, तुम बताना क्या था वो अगर तुमने पूरा देखा हो तो। और मैं और किशु आ चुके हैं जबकि बाकी लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। कविता अब नहाने जा रही है, कह रही है तेरी एक वीडियो बना के मैं नहाने चली जाती हूँ। कोई बात नहीं, इन्हें भी आ गया, इन्हें क्या पता। 4 बजे ठंडे पानी से कविता मेरे से कह रही है, मेरी ना बार बार मुंह से ऐसे निकल रही है। कविता कह रही है आज तो इसकी पूरा दिन यही चलेगी। मैं सुबह से 50 बार कर चुकी हूँ ऐसी हरकतें।
ओके बाय गाइज, बाय कह रही हूँ कि गाइज बाय बाय, ध्यान रखना अपना। और अरे ऐसे सुबह सुबह उठा करो यार। बागरे से मन की देखो, कैसे लग रहे हैं गाइस बताना, ठीक है? जब मैं इनको बंद करने जा रही हूँ, बाय बाय। तो गाइस आज फिर मैं आ गई हूँ, और मैं कहाँ आई हूँ देख लो, मोनू भाई ज्वेलर्स पे। और ये रहे भाई, इन्होंने मेरी वीडियो देखी तो कह रहे थे कि आज ही वीडियो देखी थी, और आज ही मैं फिर से आ गई। कितनी शॉपिंग कराती हूँ मैं आपकी, खुद ही करा देती हूँ। सब्सक्राइबर आए ना आए, मैं खुद आ जाती हूँ। और आज आए हैं हम श्वेता के साथ, श्वेता की शॉपिंग कराने। श्वेता पहने की साड़ी, उसके लिए हम ज्वेलरी लेने आए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्या पसंद आएगी, अभी तक हमने कुछ डिसाइड नहीं किया। जस्ट आए हैं, और जिम से मैं आई हूँ, और श्वेता 2 महीने से जिम नहीं जा रही है। 2 महीने, एक महीने से जिम नहीं जा रही, लेकिन मैंने आज भी नहीं छोड़ा क्योंकि कल मेरी छुट्टी होने वाली है। तो भाई मैं यहाँ पे आई हुई थी, तो अंकल जी कह रहे थे कि आप मेरी शॉप पे नहीं आए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं इनकी शॉप पे आई थी। इनकी शॉप का नाम है गोयल कॉस्मेटिक, ये इनकी शॉप है। और मेरे ख्याल से लास्ट व्लॉग अभी डला नहीं है। अंकल के पास कड़ों की बहुत सारी वैरायटी है, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी। किसी को कुछ मतलब कड़ों से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए हो, तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर है आप 9312148108 10। तो अंकल जी से कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको डिस्काउंट कर देंगे। डिस्काउंट करा दोगे ना? हाँ, डिस्काउंट आपके बिल्कुल कराएंगे भाई। मेरे व्यूवर्स को डिस्काउंट मिलेगा पूरा का पूरा। और ये क्या है? लिपस्टिक है। ये सारी लिपस्टिक की शेड है, सारे ब्रांडेड कॉस्मेटिक, देखने से ही अच्छा लग रहा है। और कॉस्मेटिक का भी सामान है, सब कुछ है। किसी को भी आना है गोयल कॉस्मेटिक, सेक्टर 17 रोहिणी में, आके इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। भाई श्वेता ने करी ऐसी गड़बड़, तुम्हें बताऊंगी। तो खुद बताएगी, जब मिलती हूँ तब बवाल कर देती हूँ। भाई मैं बताती हूँ, ये सही से नहीं बता पाएगी। इसने साड़ी ली थी परसों आके, और आज हम ही वो साड़ी कलेक्ट करने आए थे, फिटिंग के लिए दे रखी थी, और दे खरीदी है इसने बत्रा से, और चली गई तनेजा में इसके साथ वाले दुकान में, और जाके कह रही कि बिल तो मिल नहीं रहा है और ऐसे ही दे दो। फिर इसको याद आया क्या पता बैग में बिल पड़ा हो, फिर जाके स्कूटी में इसका बैग पड़ा था, उसमें से जाके बिल निकाला, और फिर अब आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से इसने साड़ी ली है, ये है बत्रा अवंती का, सेक्टर 3 की मार्केट में है। मिल गई है फाइनली इसको साड़ी, ट्राई करके देखेगी क्या? ट्राई। ये लड़की जाती हुई, इसने ये वाली साड़ी खरीदी है, और वैसे भी ये व्लॉग बहुत लेट आएगा, तो जब तक तो इसकी पार्टी वार्टी सब खत्म हो लेगी, तो इसलिए मैंने दिखा दिया। व्लॉग आने में टाइम लगेगा, अभी इसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं हुई थी, कुछ चीज़ें थी तो वो हमने बता दी, हल्की फुल्की वो भी ठीक होगी। और ये है बत्रा का जो भी है शोरूम, इसलिए हम आए हुए। कालू प्यारे कालू, आह आह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम तो। अरे प्यारे बच्चे, सुंदर बच्चे, कैसा है मेरे प्यारे बच्चे, कैसा है कालू? बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया बेटे। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बस बस, ये नॉन वेज खाती है बेटा ना, बताओ तो। ठीक है, बस बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तुम्हें मिलते हैं 100 रुपीज इस परफॉर्मेंस के लिए, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत ही अच्छे। अरे वाह, हेलो कर लो, हेलो कैसे करते हैं, मेरे को डर लग रहा है भाई।